दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म हैक के बारे में। इस फिल्म को लेकर क्रिटिक्स और ऑडियंस के क्या राय हैं और यह फिल्म आपको देखनी भी चाहिए या नहीं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस फिल्म को लेकर क्रिटिक्स और ऑडियंस की राय एकदम पॉजिटिव है। खास करके ऑडियंस को यह फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है इस फिल्म का कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, विक्रम भट्ट ने जो अलग कंटेंट डाला है इस मूवी के अंदर, यह चीज खास करके ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आई है और उनका डायरेक्शन बहुत ही लाजवाब है। क्रिटिक्स इस मूवी को लगभग A+ की रेटिंग दी है और विक्रम भट्ट पहली बार कुछ अलग कंटेंट डाला है इस मूवी के अंदर और हैक की कॉन्सेप्ट को लेकर जो उन्होंने पूरी फिल्म तैयार की है, वाकई उन्होंने एक लाजवाब फिल्म बनाई है। और अगर इस फिल्म के परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहला नाम आएगा हिना खान का। हिना खान ने इस मूवी में जान डाल दिया है, उनका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है इस फिल्म के अंदर और ये पूरी फिल्म की कहानी उन्हीं पर बेस्ड है। और ये जो हैकिंग के कॉन्सेप्ट डाला है इस मूवी के अंदर, उसमें हिना खान बहुत ज्यादा सूट करता है और ये बात साबित हो जाता है कि विक्रम भट्ट ने एकदम परफेक्ट कास्टिंग की है इस मूवी को लेकर और हिना खान को इस मूवी में लेकर बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है इस मूवी में, ये कैरेक्टर हिना खान को बहुत ही ज्यादा सूट करता है और वो बहुत उभर कर भी आता है। और दूसरे नाम आता है रोहन शाह का, जो इस मूवी एक हैकर का कैरेक्टर प्ले किया है। उन्होंने जो परफॉर्मेंस इस मूवी के अंदर दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना कैरेक्टर को हैंडल किया, बहुत ही अच्छे से प्ले किया है। विक्रम भट्ट ने ये दोनों कलाकारों से बहुत ही अच्छा काम निकलवाया है इस फिल्म में और बाकी जो दूसरे एक्टर और एक्ट्रेस है उनका काम इस मूवी के अंदर एवरेज है, क्योंकि ये दो जो कैरेक्टर है रोहन शाह और हिना खान, ये दोनों पर ही पूरी फिल्म बेस्ड है। और विक्रम भट्ट हमेशा ही हॉरर जॉनर की फिल्में बनाकर आए हैं, लेकिन इस बार विक्रम भट्ट ने बहुत ही अलग फिल्म लेकर आया है ऑडियंस के लिए और रियल लाइफ इंस्पिरेशन हैकिंग के ऊपर उन्होंने ये पूरी फिल्म तैयार किया है और ये फिल्म क्रिटिक्स और ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। सभी लोग इस मूवी को बहुत ही अच्छा कह रहे हैं और हिना खान की ये डेब्यू फिल्म है, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस एक्टिंग वाइज बहुत ही अच्छा दिया है और वो इस मूवी के अंदर बहुत ही खूबसूरत भी लगी है। और इस फिल्म के माध्यम से वो हर ऑडियंस को एक सोशल मैसेज भी दिया है जो रियल लाइफ घटना पर आधारित है। और इस फिल्म की जो पूरी कहानी है वो सच में असल जिंदगी में भी होती है। इस फिल्म के माध्यम से ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश किया गया है कि हैकिंग कितनी खतरनाक चीज है, ये कैसे इंसानों की जिंदगी बर्बाद कर देता है और इससे हमें संभल कर रहना चाहिए। ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, एकदम लाजवाब है और हिना खान की बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म है ये और उसके हिसाब से हिना खान बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस मूवी के अंदर। और बात की जाए विक्रम भट्ट की, उन्होंने बहुत ही लाजवाब डायरेक्शन दिया है इस मूवी में और उन्हीं की वजह से ये फिल्म बहुत ही अच्छे से बन पाई है और आज ऑडियंस और क्रिटिक्स को ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। सभी लोग इस फिल्म को बहुत ही अच्छे बोल रहे हैं। हर ऑडियंस को ये फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि रियल लाइफ में ऐसे बहुत सी घटनाएं घटती है जो इंसान कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन इस फिल्म में हमें वो सब कुछ समझाया गया है, सब कुछ बताया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हैक फिल्म का रिव्यू, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।